Aunt Jennifer's Tigers and it is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich के आप जितने भी poems देखोगे, this I always give you an introduction. This is because this kind of question also comes. So you will find that she is more related to feminism, जहाँ हम women के problems को उठाते हैं. And this particular poem is also written about the problems of women, a married woman. This is not about all the women. This is about those women, those who suffer after their marriage, जिनकी शादी के बाद परेशानियां होती है, domestic violence, those who are harassed, ये उनके लिए है. Not about everyone, it is not about common, but it is about all those women जो अपने हस्बैंड के वजह से फेसेस लॉट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो जो ये पोयम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि इट इज रिटन इन थ्री पैराग्राफ्स. द वेरी फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो बताता है दैट जो आंट जेनिफर है शी इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी. वो एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं, लेकिन वो जो एम्ब्रॉयडरी है ना शी इज मेकिंग ऑफ अ टाइगर. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई टाइगर, व्हाई नॉट समथिंग एल्स. तो द आंसर इज कि टाइगर जो होता है इट इज सेड टू बी अ ब्रेव एनिमल. और हम में से हर एक इंसान टाइगर के जैसा ब्रेव रहना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, बिना डरे रहना चाहता है, फियरलेस. So she is making an embroidery on a panel जिसके अंदर वो एक टाइगर जो है वो लीपिंग टाइगर बना रही है. लीपिंग मतलब जो जंप करता है. Now the question is, the question comes कि why does she make a leaping tiger? तो she is making a leaping tiger because she wants things to be crossed. अब वो जो टाइगर है वो उसकी पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर वो टाइगर की क्वालिटी बताते हैं कि जो टाइगर होता है दे आर फियरलेस. दे डू नॉट फियर एनी वन एंड वेन दे आर इवन जंपिंग और नीचे अगर कोई खड़ा भी होता है तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और वो जो है बिना किसी डर के आराम से जंगल में रहते हैं. दे आर नॉट दे एंड पूरे शान से, पूरे शान से. तो द वेरी फर्स्ट जो पैराग्राफ है दैट टेल्स यू अबाउट द टाइगर्स दैट शी हैज मेड. जो सेकेंड पैराग्राफ है दैट टेल्स अबाउट आंट जेनिफर कि जो आंट जेनिफर है शी इज वेरी वीक एंड उन वो इतनी वीक है कि उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं. ना उनके हाथ जो है वो क्यों कांप रहे हैं, व्हाई दे आर, बिकॉज शी हैज बिकम ओल्ड. शी हैज बिकम ओल्ड. और यहाँ पर द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से दैट शी हैज बिकम ओल्ड टू मतलब बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन दैट शी हैड ड्यूरिंग हर ट्रबलसम मैरिज. वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि उनसे एक छोटा सा मतलब बिल्कुल हल्की सी जो चीज है वो नहीं उठाया जा रहा. शी हैज बिकम दैट मच ओल्ड एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैग. मतलब जो शादी के बाद जो परेशानियां उसको आई हैं उसकी वजह से वो जो है शी हैज बिकम ओल्ड. तो दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ. Now the third paragraph says कि even when aunt would be dead, मतलब आगे जाकर कभी aunt की death भी हो जाएगी, तो उसके graveyard में अगर आप देखोगे उसके हाथों को, तो you will see कि जो उसने problems अपनी life में देखी थी वो, and वो जो ring है, जो उसकी शादी की निशानी है, that would always be there. Means The problems that a woman faces will always be there, but a male domination would never end. So, the main theme of this poem is male chauvinism.
मेल शोविनिज्म का मतलब होता है द एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द मेन, अपने अपने आप को मेन दिखाने के लिए हाउ दे एक्सप्लॉयट द वेमेन, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसके ऊपर है. तो लेट इज नाउ डू द पोएम अलॉन्ग विद एनसीईआरटी ओनली. You can see that poem is written in three paragraphs. Aunt Jennifer's tigers prance across a creek. मतलब यहाँ पर जो Aunt Jennifer's tigers है, this is the tiger that she has made on an embroidery panel. She has made it, she has woven it. उसने जो है embroidery से जो है उस पर बनाया है. And they are prancing, मतलब they are jumping. जो उसने बना रखा है वो जंप कर रहे हैं. Now she describes bright topaz denizens. Now topaz जो होता है, they are the जो हमारे gem stones होते हैं. She is comparing the, it's a metaphor, and she is comparing the tigers to the gems. मतलब इट्स एन आयरनी ऑल्सो. एक तरफ जहां हम टाइगर को फियर्स बोलते हैं, वहां वो कहती है ब्राइट टोपास डेनिजन्स. नाउ डेनिजन्स मतलब द इनहैबिटेंट्स ऑफ, डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स मतलब जो लोग कहीं पर रहते हैं. ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हेयर रेफर्स टू फॉरेस्ट. मतलब जो ये टाइगर्स हैं, दे लिव इन फॉरेस्ट. दे डू नॉट फियर मेन बीनीथ द ट्री. मतलब वो दे आर फियरलेस. वो जो है वो फियरलेस है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है. दे पेस इन स्लीक चिवाल्रिक सर्टेनिटी. चिवाल्रिक मतलब विद एलिगेंस, पूरे एलिगेंस के साथ वो चलते हैं. पेस मतलब दे कैन मूव. In the second paragraph, it is about the aunt. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fingers fluttering through her wool, मतलब it is shaking, it is quaking. उसके जो हाथ हैं वो tremble कर रहे हैं. Find even the ivory needle hard to pull. यहाँ पर जो ivory needle है, it means something very slight, बहुत हल्की सी चीज को भी वो उठा नहीं सकती है. Why? Because the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's head. मतलब जो अंकल है उनके साथ शादी होने की वजह से, the exploitation that she has undergone. has made her weak. उसको जो है कमजोर बना दिया है. शी हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ द मैरिटल डिस्कॉर्ड. द थर्ड पैराग्राफ सेज व्हेन आंट इज डेड, मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. ये वाला पेपर में कई बार आया है. रिंग्ड का यहाँ पर दो मीनिंग्स है. एक रिंग होता है आपके चारों तरफ, सराउंडेड. एक रिंग का मीनिंग होता है सराउंडेड, और दूसरे रिंग का मीनिंग होता है आपका यहाँ पर, इट मीन्स द रिंग दैट वी वियर, द मैरिज, जो आपका मैरिज रिंग है वो. और इसको हम बोलते हैं पन. इसके दो मीनिंग्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पन. द टाइगर्स मतलब इवन जब उनकी वो डेथ मर जाएंगी, तो भी उनके हाथों में वो जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी छाप दिखाई देगी, अलॉन्ग विद दैट रिंग दैट शी वॉज वियरिंग, दैट शी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब दैट शी हैड अंडरगॉन. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. लेकिन जो उसने टाइगर्स बनाए हैं यहाँ पर, एज आई सेड, जो टाइगर्स हैं दे आर प्रेजेंटिंग द मेल चौविनिज्म. वो जो है
दैट वुड ऑलवेज बी देयर, मतलब दैट वुड कंटिन्यू, जो मेल डोमिनेशन है दैट वुड कंटिन्यू इवन इफ अ फीमेल इज डेड. सो दिस इज द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स. द राइमिंग स्कूल सॉरी स्कीम, इफ यू सी इट इज AABB. Green, green tree, certainty. Wool, pull, band, hand. And if you look into the poetic devices, सबसे पहले हमारा जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट. यहाँ पर ये जो दे लिखा हुआ है, इट इज एनाफोरा. देन Men fear the men beneath the tree. यहां पर आपका एजोनेट्स, जो आपका वॉवल है ई, इट इज बीइंग रिपीटेड. देन फिंगर्स फ्लटरिंग, ये आपका एलिट्रेशन. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स, इट इज एग्जैजरेशन. रिंग इज यहाँ पर आपका पन. प्रांसिंग प्राउड अगेन इज एलिट्रेशन. एंड देन यू ऑल्सो हैव एंजैम्बमेंट. जैसे आप लास्ट वाले को देखो, सेकेंड पैराग्राफ को देखो, थ्रू हर वूल हार्ड टू पुल, इन दोनों के बीच में देर इज नो कॉमा, देर इज नो फुल स्टॉप. सिमिलरली वेडिंग बैंड से नेक्स्ट वाले लाइन में भी देर इज नो कॉमा, देर इज नो. तो दिस इज एन जैम मेंट. ओवरऑल इस पोएम का जो मेन थीम है वो है अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अ वुमेन मे अंडर गो आफ्टर अ डिस्कॉर्ड डिसहार्मनी मैरिज. अगर उसकी शादी में परेशानियां होती हैं तो जिस परेशानियों को वो झेलती है, तो शी हैज एक्सप्रेस्ड हर. आप अगर देखो तो पीछे क्वेश्चन भी है दैट व्हाई डू यू थिंक, नो सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर. उसका कैरेक्टर है कंप्लीटली फियर्ड, अफ्रेड, एक वुमेन. वेयर एज उसने जो कैरेक्टर क्रिएट किया है टाइगर्स, वो है फियरलेस, बिकॉज शी wants to fear, मतलब कि she wants to be fearless. Then what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? All the exploitation, the harassment that she has undergone due to marriage. And what are the meanings of word ringed in the poem? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो इसके मीनिंग्स हैं. एक रिंग्ड का मतलब होता है सराउंडेड, दूसरा है जो रिंग उसने पहन रखा है. देन व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ है. दैट इज बिकॉज मैसिव वेट हियर इज रेफरिंग टू ऑल दोज एक्सप्लॉयटेशन, all those harassment, the marital discord that she has undergone after the marriage to uncle. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering? Because she has become old, she has become weak, and that is why she is not even able to pull the needle. मतलब एक नीडल को उठा नहीं पा रही है, वो इतनी कमजोर हो गई. That is the poem what we call as Aunt Jennifer's Tigers.